वेलकम बैक रोही की जानिब से आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद है, बड़ी खुशी है और रोही की इस खसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ महाजबीन आबिद और मेरे साथ हैं जमशेद रिजवानी। और मैं और महाजबीन आज ईद के पहले दिन में आपके साथ ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। सिर्फ हम नहीं बांट रहे हैं, हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियोज़ में आ रहे हैं वो भी अपनी खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको घर बैठे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके जो सवाल मुमकिन तौर पे जहनों में होते हैं वो सवाल उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं मेहमानों के। और सारा दिन जो आप मसरूफियत में गुजर रहा है, कुर्बानी, गोश्त की तकसीम, कुछ खाना पकाना और उसके साथ साथ अब थोड़ा रिलैक्स टाइम भी आ रहा है, तो हम भी वो लोग जो सारा दिन इन्होंने कुर्बानी की जो मसरूफियात में रहे हैं उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ये जो ये सेगमेंट हमारा है, हाँ जी, ये मुकम्मल एंटरटेनमेंट सेगमेंट है। फ़न होगा, सिंगिंग होगी, बहुत सारी बातें होंगी पिछले तमाम सेगमेंट्स की तरह, तो हमारा और आपका साथ तो जो है वो बना रहेगा। ईद पे ऐसे होता है कि पैनिक की सिचुएशन होती है, सुबह हमने कुर्बानी करनी होती है और उसके बाद पैनिक उनके लिए होती है, पैनिक उनके लिए होती है जो सुबह सुबह उन्हें कभी कभी उठना पड़ता है। आपके लिए पैनिक है, हमारे लिए तो रूटीन थी और अच्छा। चीजें थी, आप पैनिक हो गई हैं, बाकी कोई पैनिक नहीं हुआ, कोई पैनिक नहीं हुआ, थोड़ा सा होता नहीं है, थोड़ा पैनिक की सिचुएशन होती है जब कसाई नहीं मिलता और कुर्बानी करनी होती है, लेट हो रहा होता है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा होता है? मेरा ख्याल है ऐसा होता है उन लोगों के जिनको फिक्र हो। आपको क्या फिक्र है, आप कितने पैनिक होता है, आप क्या हमें फिक्र होती है, चले अच्छा कितनी क्या फिक्र होती है आपको कि सब कुछ कैसे होगा, सही से होगा या नहीं होगा, आपने क्या करना होता है, मैंने तैयार होना होता है, मेरी तैयारी है और आज का जो मेरा वार्डरोब है तो पूरी तैयारी के साथ आना होता है ना। और तैयारी से हमारे मेहमान भी आए हमारे स्टूडियो में, हम आते हैं अपने मेहमानों की तरफ और लेकिन हमारे साथ उससे है। पहले मैं ये तो बता दूं कि मैंने मेरा जो वार्डरोब है, मेरे जो कपड़े हैं वो किसकी जानिब से हैं। अच्छा। तो जो मेरा आज का ये ड्रेस है, ये थ्री पीस है, क्यूमिन की जानिब से। आप सर्च कर सकते हैं इनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया का दौर है, मैंने पहले भी आपको बताया है, डिजिटल मीडिया का दौर है, सिर्फ आपने सर्च बार में जाना है, क्यूमिन लिखना है और क्यूमिन, क्यूमिन CUMENE, ठीक है, काफ़ी यूनिक नेम है लेकिन अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इनकी ईद कलेक्शन से ये जोड़ा है जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी यकीनन बहुत कुछ अच्छा लगने वाला है क्योंकि प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं और स्टाइल डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जी। अगर पहनने वाला भी और स्टाइलिश अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा हो तो वाकई कर सकता है। फिर मेहमानों की तरफ आते हैं, अब आते हैं नासिर महमूद शेख साहब। अभी हम बात कर रहे थे कि वो क्या शख्सियत हैं, लेकिन इस सेगमेंट में मुसन्निफ हैं, कालम निगार हैं, मौसीकार हैं, हम उनके लाफ्टर भी सुनेंगे, उनका गाना भी सुनेंगे, उनकी बातें भी होंगी। नासिर महमूद शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक आपको, आप हमारे साथ शोज़ में हैं और आप कैसी गुजर रही है जी, बकरा बकरा कुर्बान कर दिए आपने, क्या क्या चीज़ आपने कुर्बान की आज? रोही का बहुत शुक्रिया। देखें जी, एक कैसे कोविड के बाद जैसे अंधेरी रात के बाद को रोशनी के माने आजकल त्यौहार आ रहे हैं, खुशियाँ जो हैं लोगों से रूठी लग रही थी, तो ऐसे में बहुत शुक्रिया आपने ये जो ईद का सेगमेंट बनाया है, लोगों को एक अच्छी खूबसूरत मौका फराहम किया है कि वो अपना टाइम अच्छा पास करें। बस मुझे एक थोड़ा सा इख्तलाफ था, ये जो आप दोनों की जो हल्की सी नोक झोंक हो रही थी, तो हमने एक लफ्ज सुना है कुर्बानी का बकरा बन गया, कुर्बानी का बकरा बन गया, कभी आपने सुना कुर्बानी की बकरी बन गई? क्यों नहीं, जेंडर, जेंडर इशू है भाई ये सारा, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आप प्लीज इनका भी ख्याल रखें, ड्रेसेस और सारी बातें हैं, यकीन जाने ईद के मौके पर जितना खवातीन को कुर्बानी की बकरियां बनना पड़ता है, पूरे घर को संभालना, चीजों को देखना, किचन के मामला देखने, तो मैं तो ईद के इस त्यौहार के मौके पर इस शो की विसादत से अपनी तमाम ख्वातीन को सलाम पेश करता हूँ जो ईद के इस मौके पर भी किचन में और जानवर इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में। जी बिल्कुल, बहुत गर्मी तो सर्दियों में भी उनकी गर्मी होती है तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं, मीराब अली, हमारे अली खान, पूरा मीराब अली खान, मीराब अली खान, और इनके काफी आपको पता पीछे कुछ अरसे से चर्चे हैं, इन्होंने मुल्तान के इस पूरे जनूबी पंजाब में नहीं कौमी सतह पर भी मुख्तलिफ कंसर्ट किए हैं और तेज़ी से मुल्तान के मौसीकी का जो मंजरनामा है उसमें उन्होंने काफ़ी शेयर लिया है, अपनी मकबूलियत है, अभी परफॉर्म करी है। और ये
कैप्चर कर रही हैं अपनी ऑडियंस को, अपनी फॉलोशिप बढ़ा रही हैं। कम टाइम में रिकॉग्निशन गेन करना इज नॉट इजी, लेकिन आपने ये कर दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो एंड थैंक यू, आपने टाइम निकाला है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे आज खुशी के मौके पे रोही टीवी का हिस्सा बनाया। थैंक यू। देखिए मसला ये कि आपने खुद अपने आप को कहा कि मैं स्टाइलिश हूँ, इस मैं लग रही हूँ, देखिए उन्होंने भी ये कहा, मैं उनकी तारीफ कौन करेगा? देखिए मैं ये समझती हूँ कि ना अपनी अपनी तारीफ करते रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने से पहले ना बाकी खवातीन को ही रखती हूँ। मैं वुमन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट पे बहुत यकीन रखती हूँ, शायद आपको नहीं मालूम ये बात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगी। अच्छा तारीफ करें ना तो पहले। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। लिबास की बात हो रही है, लिबास की बात हो रही है। अपने आप को कैरी करना इतना आसान नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात फीमेल समझ सकती है। एग्जैक्टली। मुजम्मिल हैदर जी है एक जो फनकार घराने से उनका ताल्लुक, और नौजवानों में तेज़ी से जो जिन्होंने बाकायदा सीखा है अपनी आवाज़ से, और जो मुतासिर कर रहे हैं कि मुल्तान का जो फ्यूचर है, उन कहा जाता है कि मुजम्मिल हैदर जैसे फनकारों के हाथ में है, महफूज है। इसका मतलब ये है, मुजम्मिल हैदर आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। यकीनन हमारे नाज़रीन आपको सुनेंगे और महज़ूज़ भी होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, उस्ताद अनवर हैं, नासिर शेख साहब। आप क्या समझते हैं कि हमारे ये जो फनकार हैं जो इन आवाज़ के पीछे जो असल उसको और खूबसूरती को बढ़ाते हैं, मुल्तान के एसेट, आप क्या समझते हैं? तीनों के ऊपर आप कमेंट करें। उस्ताद अनवर कितने गुलकाराओं के उस्ताद हैं, मीरा वली के और ख़ुद मुजम्मिल हैदर के, और मुल्तान में जितने भी मारूफ फनकार हैं उनके ऐसे ही हैं ना। उस्ताद अनवर मुबारक हो आपको ईद की, बहुत बहुत खुशियाँ। सागर भाई हैं और जावेद साहब हैं और उस्ताद अनवर, ये एक ऐसा इनका टीम वर्क है कि आर्टिस्ट की जो सलाहियत है उसको चार चांद लगा देते हैं, उसको इतनी पावर दे देते हैं, इतनी एनर्जी मिल जाती है। देखिए आवाज़ की दुनिया का ये सिलसिला है कि ये पूरा पैकेज होता है। अच्छा म्यूजिशियन हो, अच्छी पोइट्री मिल जाए किसी को, क्यों जी, अच्छी शायरी मिल जाए तो वो फिर एक लुत्फ दुबाला हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये आज रोही के मेहमान हैं, बल्कि मेज़बान हैं आज ये लोगों के लिए मेहमान के तौर पे, तो कोई शक नहीं, हमारे मेहमान हैं जी रोही के। और थैंक यू वेरी मच, आपने भी, आपको भी मुबारक जी, आप तीनों को, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त भी दिया और हमें भी यहाँ वक्त दिया है। तो नासिर शेख साहब आप मुझे ये बताएं कि बोलना आसान होता है या गुनगुनाना आसान होता है? अब यार वो तो कहते हैं जमीन से धोना और गाना किसको नहीं आता। अच्छा, हाँ एक को आता है, अच्छा बुरा सब चल जाता है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला रोने से बचाए। बहुत रो लिया लोगों ने इस कोविड के दरमियान, और जो जो मसाइब आए हैं पूरे कुरे अर्ज़ पर, तो अल्लाह ताला खैर करे आप हंसने की आज बातें करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स माय पॉइंट। आप क्योंकि असल में आप लाफ्टर बुक इनकी आई, काफ़ी शहर में मकबूल हुई है, और साथ साथ सबसे बड़ा इवेंट कोविड के बाद मुल्तान में समाजी तौर पे हुआ, तो इनकी किताब की लॉन्चिंग थी ये लाफ्टर बुक, तो इसलिए मैं फ़ौरन आ गया हूँ कि भाई ये हंसने हंसाने से भी इनका ताल्लुक है, और ख़ुद भी एक मिनट के लिए खामोश नहीं बैठ सकते, अगर सीरियस हों तो बस एक दफ़ा झाड़ झूड़ देते हैं, ऊँची आवाज़ में लाउड गुफ्तगू कर लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद वापस आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। हाँ जी, आपने क्यों गाना शुरू कर दिया? नहीं मैं गाना शुरू नहीं किया। अच्छा, शौक तो है ना? हाँ बहुत ज़्यादा। हम आपको देखते रहते हैं फेसबुक पे अक्सर, आप रात को किसी न किसी फनकार के साथ आपके घरों में बैठे होते हैं, निजी महफिल में भी एक आप खुद ही सजा लेते हैं, और साद अनवर भी वहाँ बैठे होते हैं, कभी मीरब भी होती हैं, कभी मीराब भी होती हैं, ऐसे ही तो मुजम्मिल होते हैं और सब बहुत से फनकार होते हैं। आपने तो मुल्तान की समाजी ज़िंदगी को एक रंग दिया होता है। अच्छा ये मैं बताऊँ, कुछ थोड़े से पसे पर्दा थे ये लोग, एक तवील अरसे से यहाँ म्यूज़िक की अकेडमियाँ बनी हुई हैं जहाँ रात को रोज़ लोग जा के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले, बिज़नेस कम्युनिटी से, हर कम्युनिटी के लोग रात को जा के म्यूज़िक से अपना अच्छा शौक और शगल पूरा करते हैं। तो उसमें ये लोग थोड़े से पसे पर्दा थे, तो हमने कोशिश की कि चाहे नए हैं पुराने हैं,
طویل عرصے سے بھی لوگ گانے والے ہیں اور پھر کووڈ کے دنوں میں کیونکہ اکیڈمیز بھی بند تھیں فنکشن بھی نہیں تھے لیکن آپ کے گھر میں ایک محفل سج جاتی تھی اس سے وجہ سے فارمولہ دیا گیا تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ محفلیں ہوں گی یہ بڑی اچھی بات ہے ہم گانے کی محفل بھی سجائیں گے گانے بھی سنیں گے اور کچھ لطیفے وغیرہ بھی سن لیں گے پھر ہم یہ خود بخود ہی کر لیں گے گفتگو میں پکڑ لیں گے فنکار انسان ہے مجھے پتہ چل گیا ہے تو اب آگے باتیں بھی ہوں گی بہت ساری باتیں ہوں گی گپ شپ ہوگی لیکن یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا بریک آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہیے گا یہ بتائیں کہ میراب آپ سب سے اچھا آپ کو کمفرٹیبل کس میں لگتا ہے گانا پنجابی اردو سرائیکی کیا اچھا ویسے آپ سنگنگ کب سے کر رہی ہیں آپ شوقیہ آئیں ہاتھ ساتھی آئیں بائی چوائس آئیں ہاتھ ساتھی آئیں کیوں کیا وہ ایسا کون وہ حادثہ کیا تھا اچھا آپ اپنا مائک ذرا آن کر لیجیے گا اپنا جی یہ تھا مجھے جسٹ سیکھنا تھا سیکھنے کا مجھے شوق تھا جیسے کلاسیکل ٹائپ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا شوق تھا تو میں استاد انور کے پاس آئی تھی سیکھنے کے لیے مجھے ریکمینڈ کیا تھا ایک ہیں ڈائریکٹر صاحب رہے ہیں آرٹس کونسل کے ملتان آرٹس کونسل انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا تو ان کے پاس آئی تو یہاں پہ میں شوقیہ سیکھنا چاہتی تھی تھوڑا بہت میری آواز تھوڑی سی ٹھیک تھی تو اپریشیٹ کرتے جب میں کہیں گاتی تھی اسکول میں ادھر ادھر دوستوں میں تو وہاں سے مجھے تھوڑا شوق تھا کہ میں سیکھوں تو اس کے بعد میں ان کے پاس آئی یہاں پہ شوقیہ کرتے کرتے لوگوں نے اپریشیٹ کیا پسند کیا بلایا اپنے پاس تو وہ ایسے کرتے کرتے تو پروفیشنل ہو گیا وہ آپ کو اچھا لگا میرا انکم آف سورس بن گیا پروفیشنل ہو گیا پہلے تو گھر والوں نے سپورٹ نہیں کیا ابھی تک میرا جو مطلب فیملی خاندان ہے اس میں کافی لوگ سپورٹ نہیں کرتے کچھ لوگ سپورٹ کرتے جو ینگسٹرز ہیں جو میرے کزنز ہیں میری ایج کے ایج فیلو ہیں وہ لوگ تو سپورٹ کرتے خوش ہوتے ہیں لیکن باقی جو بڑے ہیں وہ سپورٹ اتنا نہیں کرتے مجھے سمجھاتے ہیں بٹھا لیتے یہ اچھی چیز نہیں ہے حج عمرے پہ جاؤ اس طرف جاؤ ناتے پڑھو تم اور سر پہ دوپٹہ کرتے ہیں کہ گناہ ہوتا ہے اس طرح کی وہ باتیں سنتے کیسے ڈیل کرتی ہیں پھر آپ چپ کر کے سنتی ہوں لیکن پریشر تو تھوڑا پڑتا ہے پریشر پڑتا ہے پھر سوچ بھی آتی ہے ایسی سوچ بھی آتی ہے ابھی آپ کیا سنائیں گی ابھی میں آپ کو ایک خوبصورت سا کلام سناؤں گی ایک جو اس وقت ٹرینڈنگ میں میں چاہتی ہوں جو اس وقت ٹرینڈنگ میں جو ہیں جو لوگ پسند کر رہے ہیں جو سن رہے ہیں زیادہ تر جن سانگز کے ویورز زیادہ ہیں آپ نے بہت ہی آسانی سے گا دیا ہے اور ٹیم کی جو کوارڈینیشن ہے ویری نائس ٹیم ورک تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے نظر بھی آ رہا ہے محنت تو کریں تین سال میں آپ صفر سے اسٹارٹ کریں ایک لحاظ سے استاد انور جیسے ایک لحاظ سے رہنما ہیں نا ایسے آرٹسٹوں کو انکریج کرنے کے لیے اور پھر انہیں بنا دیں بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا آپ ہم کریں گے بالکل ہم کریں گے بات ہم کریں گے بات بہت ساری باتیں ہوں گی آرام آرام سے ہوں گی سلو اینڈ اسٹڈی جائیں گے ہم اور ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے بریک کا تو ہم بریک لیتے ہیں جلدی واپس آئیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ ہیں ہمارے عید کے اسپیشل شو میں روہی کی اس ٹرانسمیشن میں اور آج ہمارے شو کا جو ہے آخری دن ہے میرا خیال ہے آخری شو ہے پہلے دن جی جی اور اس شو میں اب ہمارے یہاں کیونکہ تھوڑے سے ہم بھی تھک رہے ہیں شاید جگہ پتہ کون سکتا ہے ناصر شیخ صاحب اپنے کسی جملے سے اپنے لافٹر بک میں کوئی جو ان کے کسی بھی بات ہم بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا ان میں سے کچھ نکال کے ناصر آپ تھکتے نہیں ہیں نہیں مجھے تو یاد آتا ہے کہ ہمارا یہ خطہ جو ہے بڑے
बासलाहियत लोगों का है। आपने सुनो अब तक जितने भी सिंगर्स ने परफॉर्म किया किसी तरह से भी नेशनल स्टार से कम नहीं कम था। नहीं है। बिल्कुल इस तरह से हमारे म्यूजिशियन हम कदर कम करते हैं अपने खेते के लोगों की। तो मैं रोही का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग मौका फराहम करते हैं। लेकिन हम आपका शुक्रिया वसूल इसे नहीं करेंगे कि हमारी ख्वाहिश ये है कि आप में से कुछ फनकार हमारे कल के जो ईद के दूसरे दिन की जो नशरियात हैं प्रोग्राम है सेगमेंट है एक में आपने मीराब ने और दूसरे आर्टिस्टों ने लाजमी आना है तो उसमें ठीक हो तो फिर तो हम आपकी शुक्रिया कबूल करते हैं वरना नहीं करते वरना नहीं कर सकते अगर आप ये सर कबूल है तो फिर बताएं। अच्छा आपको खुद भी गाने का शौक है? हाँ बहुत। लाइव वो फेसबुक पे लगे होते हैं? जी जी बिल्कुल। तो हम उसको आज नहीं कुछ पे कल पे रख छोड़ें ताकि इस माने आप कल आ जाएंगे तो हम आपको कल भी इनवाइट करते हैं। ईद का दूसरा दिन भी कलरफुल हो जाएगा। हाँ अच्छा और मैं जमशेद आपको थोड़ी सी आपकी मालूमात में इजाफा करूँ जैसे ये मुजम्मिल हैदर गा रहे थे तो इनके पीछे पूरे एक इनके वालिद इनके अंकल इनका पूरे दादा पूरी एक तारीख है। तो आपको अपनी कंपेयर के मुतालिक पता है कि हमारी वसेब का एक रिकॉर्ड है कि बाप बेटी की कंपेयरिंग करने का। इनके वालिद साहब रेडियो के बहुत अच्छे सदाकार हैं डॉक्टर आबिद जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि ये हमारे वसेब में बेटियों की हौसला अफजाई की जाती है उनके टैलेंट को सामने लाया जाता है। ये बड़ा अच्छा एक ना एक पहलू है मुझे बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू। मुझे ये याद आता है वो अरशद साहब का जो शेर है कि ढूंढे से भी ना पाओगे अरशद जहान में हुए वफा व मेहर जो मुल्तानियों में है। हमारा मुल्तान का खिता बड़ा मोहब्बत वाला प्यार और नो डाउट चेंज आ रहा है। आपने क्योंकि पानियों की बात की है तो उस पानियों में मुजम्मिल और मीराब के पास यकीनन एक ऐसा गाना है जिसमें रावी के पानियों का भी जिक्र आ सकता है चनाब के इलाके में बैठ के और खाने वाले तक रावी भी आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इनसे वो गाना क्यों ना सुने इन दोनों से रिक्वेस्ट करें कि ये दोनों हमें एक ऐसा गाना जिसपे ऐसे पानियों में आ गया है बात निकल आई है ना तो मेरा ख्याल है मुजम्मिल ऐसे अभी अभी गुनगुना रहे थे आप ब्रेक में इसी वजह से मुझे उससे पहले एक सवाल फिर से आ गया। सवाल ये है कि क्या अभी भी ऑन स्टेज या किसी बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने क्या थोड़े से भी सेकंड्स के लिए नर्वसनेस होती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं ये मीराब मैं आपको बताती हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं होती। और जब कोई ऐसा इंसान सामने बैठा हो जो म्यूज़िक को बहुत डीप समझता हो वहाँ होती है। अगर कोई उस्ताद है कोई बड़ा आर्टिस्ट मेरे सामने बैठा हुआ है और मुझे सुन रहे हैं तो उनके सामने नर्वस नहीं होती। अगर मैं उनके सामने नर्वस होंगी तो मैं सीख नहीं पाऊंगी। बिल्कुल सही है भाई इसमें कोई शक नहीं है। उस्ताद अनवर तो वैसे भी सिखाने वालों में से हैं और बिल्कुल ऐसे ही मुजम्मिल ये भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आज का दिन तो हो गया है बिल्कुल ख़त्म पता भी नहीं चला वैसे। और मेरे साथ मेरा इनसे जमशेद साहब से पहला इंटरेक्शन था पहली एक कोशिश थी इनकी को होस्ट बनने की। वैसे मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप भी कोई कमेंट कर दें आपको कैसा लगा? मैंने इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये आपने आपके बारे में जो कमेंट्स शेख साहब ने कह दिए हैं वो हमारे सबके दिल की आवाज़ हैं कि आपने माशाल्लाह आज पहला दिन इस तरह का मेरे साथ जो शो किया वो आपने जिस अंदाज में कंडक्ट किया मैं तो बहुत कंफर्टेबल रहा हूँ क्योंकि आप हैंडल कर रही थी आप संभाल रही थी मुझे किसी चीज़ की फिक्र की जरूरत ही नहीं थी। यानी आपको यकीन था। सो बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में से एक बड़ी खुशी आपके लिए भी ये है कि आपने यकीनन एक हेक्टिकली एक बड़ी ट्रांसमिशन को ऑर्गेनाइज किया उसको जो हमारी तवक्कात थी रोही के नाज़रीन को यकीनन आपकी सारी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई है। थैंक यू सो मच सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो दोनों हमसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि आप कल का दिन भी हमें ज्वाइन करने वाले लेकिन मुजम्मिल कुछ मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो मुजम्मिल हैदर के साथ जाएगा वोल्का फूड इंटरनेशनल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और बाकी सबके साथ भी जाएगा। जिस तरह आप हमारे साथ शामिल हैं वैसे ही वोल्का फूड इंटरनेशनल भी हमारा साथी है तो बाकी सबके साथ भी ये गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे वोल्का फूड इंटरनेशनल की जानिब से। आई होप कि आपने आज की ट्रांसमिशन आज का शो हमारे साथ मिलकर इंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल ईद के दूसरे दिन पे बड़ी खुशी के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपसे कल मुलाकात होगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूँगा आपके साथ भी हम अपने नाज़रीन के साथ मिलेंगे और कल भी जैसे हमने आज कोशिश की है
और लोगों के साथ, ऐसी शख्सियात के साथ जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिन्हें देखना चाहते हैं, जिन्हें सुनना चाहते हैं, उनके साथ, और हम ये ईद की खुशियाँ मनाने का सिलसिला कल भी जारी रखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एहतियात भी करें, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। मेरी तरफ़ से और जमशेद साहब की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।